नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी तक कोई नहाया भी नहीं है, शक्ल भी ठीक नहीं करी है। अभी अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, रात को काम करते हुए काफ़ी देर हो गई थी मुझे। थोड़ी देर पहले उठा हूँ, उठा किससे मैं? एक टेलीफोन कॉल से। एक टेलीफोन कॉल आया जिसने अपेरेंटली अपने आप को कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया है और मुझे धमकी दी है कि जिस तरीके से तुम राहुल गांधी को ट्रोल करते हो, जिस तरीके से तुम राहुल गांधी के अगेंस्ट में वीडियो बनाए जा रहे हो, उसका बदला लिया जाएगा। तुम्हारे इंडिपेंडेंटली या किसी भी तरीके से बीजेपी के लिए काम करने के दिन कुछ ही रह गए हैं, क्योंकि बीजेपी तो जाने वाला है, मोदी तुम्हें बचाएगा नहीं। और धमकी मुझे ये भी दी गई कि अपेरेंटली सलमान खान को भी मेरे पीछे छोड़ा जाएगा। अब इस कॉल की मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि ये कोई कांग्रेस का ही कार्यकर्ता था या नहीं, पर चूंकि उसने मुझे ये बोला कि हमें तेरा एड्रेस पता है, हमें तेरा फ़ोन नंबर पता है, जो कि ऑब्वियसली उन्होंने कॉल किया था तो फ़ोन नंबर तो पता था ही, कि हमें तेरा सब कुछ पता है और जल्दी ही तेरा ठिकाना लगा दिया जाएगा। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ना तो मैं बीजेपी का IT सेल का बंदा हूँ, ना मेरा बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हूँ, ना मोदी जी का हाथ मेरे सर के ऊपर है, ना किसी प्रवक्ता का है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। बट फिर भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ उन फूतियों को जिन्होंने मुझे कॉल किया है। तुम चाहे कांग्रेस के हो या ना हो, तुम चाहे प्रैंक खेल रहे हो या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं इंडिपेंडेंटली काम करता रहा हूँ और राहुल गांधी के वो जितने भी वीडियो बनाए हैं मैंने, सबके फाइल्स बने हुए हैं, सबके रेफरेंस आर्टिकल्स, मटेरियल, फैक्ट्स कहाँ से लिया, सब कुछ लिखा हुआ है मेरे पास। तो दुनिया के किसी भी कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि राहुल गांधी ने जो दुष्कर्म किए हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के टाइम पे और सुकन्या देवी के केस में भी और बाकी चीज़ें जो भी ये इंसान जो देश के अगेंस्ट में बोलता आ रहा है कंटिन्यूसली, उसके बारे में सारा मटेरियल मेरे पास मौजूद है। तो तुम्हारे इन कीदड़ भपकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, काम चालू रहेगा। तुम चाहे सलमान खान का नाम ले लो, चाहे राहुल गांधी का नाम ले लो, चाहे जुबैर का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, काम चालू रहेगा। कल भी चालू था, आज भी चालू है, कल भी चालू रहेगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भाई हिंदू भाई लोग थोड़ा समझो। मैं तो समझता हूँ कि हमें आज़ादी कैसे मिली, मुझे ये भी पता है कि हमें बंदी कैसे बनाया गया था, हमें हमारे ऊपर तानाशाही कैसे रखी गई थी, कैसे इस्लाम ने हमारे पे कब्जा किया था, मुझे वो भी याद है। मुझे सिर्फ इंडिपेंडेंस कैसे मिली थी ये याद नहीं है, मुझे वो इंडिपेंडेंस कैसे खोई थी हमने वो भी याद है। तो आप इस चीज़ को भूलो मत। ठीक है, हिंदू थोड़ा नाराज़ है बीजेपी से, बट बीजेपी इज़ दी ओनली पार्टी दैट इज़ गोइंग टू सेव यू राइट नाउ। और मेरे ख्याल में मोदी 3.0 में शायद आपको देखने को मिल भी जाए। मेरा अगेन हिंदू भाइयों से रही यही रिक्वेस्ट है कि भाई कि यूनाइट रहो, यूनाइटेड रहो और एक दूसरे का ख्याल रखो, चौकस रहो चारों तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो और हमें भी मदद करो ग्रो करने में, क्योंकि देखो खतरा हमें भी होता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके कि किस तरीके से हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी राहुल गांधी नज़र रखे हुए है और किस तरीके से ठिकाने लगाना चाहता है। डरेगा नहीं भाई। जय श्री राम।